आने वाले दिनों में मुस्तफ़ा बाबा के लिए भी हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि नॉर्थ में जल्द से जल्द उन्होंने भी MLA बने दे बोल के हम भी दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज अली हल हुसैनी सज्जादे साहेब जो हमारे कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के मेंबर जो चुना गया है कर्नाटक का इलेक्शन में, आज मैं अली बाबा से मिलने के लिए देवड़ी पे आया हूँ। आज गुलकोशी और मुबारकबाद देने के लिए मैं उनके पास आया हूँ। आज हमारा बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए और हम बहुत किस्मत वाले हैं बोल के हम बोल सकते हैं। आज अली अल हुसैनी साहेब सज्जादन जो हमारे बंदेनाव दरगाह के जो सज्जादे है, आज हमको एक मौका मिला है आज उनको गुलकोशी करने का। तो मैं तमाम मुतालियन को, तमाम उनके मुरीदों को, तमाम जो वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में उनके साथ जो साथी जो जुड़ के जो कम समय में जो टाइम था साथ जुड़ के जो इलेक्शन करे, मैं सब साथियों को भी मुबारकबाद देता हूँ। कर्नाटक के जितने भी आज हमारे गुलबर्गा जो सूफ़ी संतों का गुलबर्गा है, गंगा जमुना तेजीफ, आज बंदे नवाज दरगाह जो हिंदुस्तान के अंदर जो दरगाह है, मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन जो हमारे बंदे नवाज दरगाह के ट्रस्ट के अंदर जो एजुकेशन हिंदुस्तान में जो नाम फैला गया है, मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में पहला हमारा गुलबर्गा सरजमीन हमारा गुलबर्गा है। आज बहुत किस्मत की बात है, आज वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी इश्यूज़ आजकल आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में, वक्फ बोर्ड के इश्यूज़ के बहुत सारे इश्यूज़ सोशल मीडिया में आजकल चल रहे हैं। आज हमारे सज्जादे साहेब जो अली बाबा जो अल्लाह ताला उनको एक मौका जो कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के मेंबर जो जिताया गया है, मैं सोचता हूँ इतिहास में एक इलेक्टेड बॉडी जो होता है, आज तमाम मुतालियन जो वोट डाल के जो कामयाबी दिए है अली बाबा साहब को, आज मैं सोचता हूँ कर्नाटक के अंदर एक इतिहास आने वाले दिनों में अली अल हुसैनी साहेब सज्जादे उनमें जो काबिलियत है नौजवानों के लिए, आज जो बंदे नवाज दरगाह जो हमारे गुलबर्गा सरजमीन पे है, आज जितने मुसलमान भाई लोग वो दरगाह को आते हैं उतने ही हिंदू भाई लोग भी वो दरगाह को मानते हैं। आज हमारे गुलबर्गे में एक वक्फ बोर्ड के मेंबर हमारे बीच, वो भी बहुत बड़ा हस्ती हमारे गुलबर्गे में हिंदुस्तान में बंदे नवाज दरगाह जो हस्ती हमारे बीच है, वो फैमिली से एक वक्फ बोर्ड को खिदमत करने का जो मौका मिला है, मैं सोचता हूँ गुलबर्गा ने कर्नाटक के मुतालियन को तमाम कर्नाटक के जो वक्फ बोर्ड के इश्यूज़ को जो है ये एक फैसला मिल सकता है बोल के मैं आज सोशल मीडिया के ज़रिए बोलना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में आवाम गुलबर्गे के जितने भी आवाम हैं, आज बंदे नवाज दरगाह सरजमीन जो हमारे बीच है, आज ऐसे एजुकेटेड हमारे अली हुसैनी अल साहेब जो है, मैं सोचता हूँ ऐसे नौजवानों को गुलबर्गा के आवाम की खिदमत करने का एक मौका भी होना चाहिए, मिलना भी चाहिए। और हमारे तमाम अभी साथ में जो हमारे ओएस बाबा साहब अभी आए थे, आकिब बाबा साहब, मुस्तफ़ा बाबा साहब जो है, मुस्तफ़ा बाबा के नौजवान जो हमारे मुस्तफ़ा बाबा है, मैं सोचता हूँ कि लास्ट पॉलिटिकली में भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट होके गुलबर्गे के नॉर्थ में एक जिताने का ताकत उन्होंने भी रखे थे। ऐसे नौजवान पॉलिटिक्स में अगर आएंगे, मैं सोचता हूँ गुलबर्गे के आवाम को, नौजवानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है।
अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगा, जो बंदे नवाज जो गुलबर्गा सरजमीन पे है, जो यहाँ से जो कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के जो मेंबर बने हैं अली हल हुसैनी साहेब हमारे सज्जादे, मैं सोचता आने वाले दिनों में मुस्तफ़ा बाबा भी आवाम की खिदमत करने के लिए, आज एक पॉलिटिकली होते हुए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि गुलबर्गा नॉर्थ के आवाम के लिए मुस्तफ़ा बाबा जैसे नौजवान की बहुत ज़रूरत है, उनमें वो काबिलियत है। आज दरगाह बंदे नवाज जो हम जो मानते हैं, बहुत सारे मुरीद हैं, नौजवान हैं। अभी देखो, अभी हम देखते हैं ये दरगाह के नेतृत्व में जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ये नौजवानों को एक मोटिवेट करने का इनमें वो काबिलियत है बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करूँगा कि आने वाले दिनों में जो परसों अली अल हुसैनी साहेब जो सज्जादे हमारे जब गुलबर्गा आ रहे थे, जो जलसा जो था, मैं समझता हूँ गुलबर्गे के अंदर जो पॉलिटिकली जीत के आने के बाद में भी ऐसा जलसा मैं कभी नहीं देखा हूँ कि आज हमारे सज्जादे साहेब के लिए उतने नौजवान गुलबर्गे के तमाम आवाम उनके लिए जलसे में आए। बहुत खुशी की बात है, गुलबर्गा जो सरजमीन पे हमारे एक यहाँ से सज्जादे जो कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के खिदमत करने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में मुस्तफ़ा बाबा के लिए भी हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि नॉर्थ में जल्द से जल्द उन्होंने भी MLA बने दे बोल के हम भी दुआ करें।